देते हम लोग बढ़ा गए, लेकिन आज तक भाजपा हम लोगों को कुछ नहीं किया रोड पर लाने के सिवा, और कुछ नहीं किया। पूरे लोहार समाज को रोड पर लाया है, और मैं नहीं किसी चुकेगा तो चुकेगा, और नहीं तो नहीं चुकना है। जब है कुपा को वोट मार करके पूरे जमा सब करके सांसद भेजने को हम कीजिए हम लोग। चलिए देखिए, हम लोग को एकदम एकदम फुट बैक पर ला दिया, बैक फुट में आ गया एकदम। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मुबारक किसान का 2000 रुपया मुबारक। हमें रोजगार चाहिए, हमें गोरिया नहीं बनना है, हम मेहनती है ना, तो ठीक है नहीं किसान मिल गया, हम मिल गया छोड़ नहीं, मिला नहीं गया हमें, मिल गया हम लोग को मिला नहीं था 75 साल में मेरा बाप बोला अनाज जब रोजगार मिलेगी तो अनाज हम लोग खुद बांटेंगे। मतलब आप लोग 19 तारीख को वोटिंग कीजिए। जितनी भी पार्टियां हैं लगभग सभी यहां पे उपस्थित हैं, और हम यहां पे उनके समर्थक लोग भी हैं, हम कुछ समर्थकों से बातचीत भी करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले जो 19 अप्रैल को पहली वोटिंग होनी है पहले चरण के लिए, लोगों की क्या राय है, पब्लिक ओपिनियन जानते हैं। कहीं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम अशोक विश्वकर्मा है। राम अशोक जी है हमारे साथ। ये भीड़ देख रहे हैं आप, क्या ये भीड़ 19 तारीख को औरंगाबाद में वोटिंग है लोकसभा के लिए पहले चरण का, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी? सर जी ये वोट में तब्दील होगी। सबसे बड़का चीज है हम लोहार जाति से आते हैं, और ये बीजेपी की सरकार मोदी सरकार ने हमारे समाज को भरपूर ठगने का काम किया, और हमारे पूरे समाज को रोड पर लाने का काम किया है। पूरा लोहार समाज इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं ऐलान करता हूँ, मैं औरंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष हूँ, और पूरा लोहार समाज अभय कुशवाहा जी को वोट देकर विजय बनाएंगे, ये मेरा ऐलान है, पूरे लोहार समाज का ऐलान रहेगा। तो जैसे कि औरंगाबाद का लोहार समाज का आप ऐलान कर रहे हैं, तो बिहार में लगभग आप 10 लाख, ऐसे तो आप लोग 40 लाख बोलते हैं, तो क्या पूरा बिहार में माहौल है इंडिया गठबंधन को समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बिहार में माहौल हो चुका है, पूरा बिहार के लोहार इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेगी। अबरी जहाँ भी होगा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वही बटन दबेगा। अच्छा, भाजपा से क्यों इतनी निराशा, क्या उम्मीद आपका भाजपा तोड़ दी बताइए? भाजपा को वोट दे देते हमारे बाप दादा गुजर गए, भाजपा को वोट दे देते हम लोग बढ़ा गए, लेकिन आज तक भाजपा हम लोगों को कुछ नहीं किया रोड पर लाने के सिवा, और कुछ नहीं किया। पूरे लोहार समाज को रोड पर लाया है, और मैं नहीं पूरा लोहार समाज हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मूल मांग क्या है आप लोग का, जो जिसकी वजह से आप बीजेपी से नाता तोड़ के इसमें आरजेडी या इंडिया? विकास, हमारे समाज का जो विकास रुक गया, हमारे समाज सबसे गिरा हुआ समाज है, लोहार समाज सबसे गिरा हुआ समाज जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अच्छा। हम लोगों की मांग थी जो एसटी का, वो सरकार ने बरगलाते आज हम लोग को 70 साल लेके चला आया, उसके पहले हम लोग को कांग्रेस बरगलाया, उसके बाद फिर अब जैसे बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार ने हम लोगों को एकदम फुट बैक पर ला दिया, बैक फुट पे आ गया एकदम। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है। केंद्र में किसकी सरकार चाहिएगा? केंद्र में तो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री तो हमारे अध्यक्ष तय करेंगे ना। चलिए, हम लोग तय करने वाले कौन? हाँ, प्रधानमंत्री कौन? गठबंधन है, नामांकन में इतना भीड़ उमड़ा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है, ये पहली भीड़ है, अभी हमारा स्टार्ट है, ट्रेलर चल रहा है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। ये 19 अप्रैल को पूरे क्षेत्र में वोट, जब इतनी बूथ वोट गिरेगा और जब काउंटिंग होगी तो 12 बजे भीड़ को मतलब निकल निकल जाएगा। 12 बजे घोषणा हो जाएगा तो विजयी कौन? हमारा भाई कुशवाहा, हमारे यहाँ से विजय होगा लोकसभा से। मुख्य प्रतिद्वंदी यहाँ पे कौन है? सुशील कुमार सिंह, जो अभी बीजेपी से है। हाँ, अभी तो ही है, मतलब अभी तो फिलहाल वही, लेकिन हम लोग जीत के निकलेंगे। हमारे जैसे कहा जाता है कि औरंगाबाद जो है तो गढ़ टूटता नहीं है किसी से, गढ़ एकदम बनल है, मिनी चित्तौड़गढ़ का किला का भेद पाएंगे? कोई गढ़ नहीं है, गढ़ क्या, गढ़ कोई नहीं है, ये लोग चोर है, चोर है, ये लोग चोरी कर रहे हैं के माध्यम से, गढ़ क्या, आप लोग दिखा देंगे गढ़ गढ़ क्या से। अभी 12 बजे दिन में झोली भरेंगे और उस पार्टी भरा कर देख सकते हैं आप देखिए, यहाँ पे आपने विश्वास इतना है इंडिया गठबंधन के समर्थकों में, आरजेडी के समर्थकों में, कि 12 बजे दिन में 4 जून को जब घोषणा होगा, तीन लोगों की उम्मीद है कि 12 बजे दिन में ही अभय कुशवाहा जी को विजय घोषित कर दिया जाएगा।
क्या कहेंगे का? जीतेंगे आप? कौन पार्टी से हैं? पार्टी से हैं? आरजेडी। जीतेंगे आप? जीतेंगे। कहे जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। यहाँ घर बना के रखा हुआ है मोदी का। अच्छा तो उसको अच्छा 75 साल में तो ठीक है नहीं किसे मिल गया और मिल गया छोड़ा नहीं मिला नहीं क्या मिल गया हम लोग को कहीं मिला नहीं था 75 साल में मेरा बाप दादा ने उस 75 घंटा करा 75 साल के बाद किसने चुकेगा तो चुकेगा और ना तो नहीं चुकना है जब है कुछ वहाँ को वोट मार करके पूरे जमा जब करके सांसद भेजने को हम कीजिए हम लोग चलिए देखिए देख रहे हैं बात विश्वास देख रहे हैं यहाँ पे आया कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं इधर सर नहीं तय करेगा प्रभारी बिल्कुल क्या संभावना लग रहा है इस बार 2024 में क्या संभावना दिख रहा है 2024 में परिवर्तन निश्चित है पूरा युवाओं ने जाग चुका है जो बिहार में खास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ जो तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया है ये 15 साल से वैकेंसी बंद थी और 17 महीने में उन्होंने 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया है हमें युवाओं को रोजगार चाहिए यहाँ जो बिहार में है लोग उनकी छत पे सर पे छत चाहिए पेट में रोटी चाहिए जो ये भाजपा वाले ने सब छीनने का काम किया है सबसे और बड़ी मुद्दा नागपुर में आप देख चुके हैं जो महिलाओं को नंगा करके रोड पर घुमाया गया है इससे मेरे पूरे इंडिया के सर्वसार हुए हैं मैं इस हिसाब से मैं मांग करता हूँ कि किसी भी हाल में मैं जवानों से आह्वान करता हूँ किसी भी हाल में सत्ता को परिवर्तन करना है बदलना है मोदी को उखाड़ कर फेंकना है परिवर्तन देखिए लोगों की मांग आपकी बार केंद्र में परिवर्तन 10 साल में मोदी जी का काम अच्छा लगा कि नहीं एक पॉइंट भी नहीं ये अच्छा लगा है अंबानी अडानी को ये उनके दामाद हैं इनको वो रुसाई में ले रहे हैं जैसे बांग्लादेश को जो इंडिया गवर्नमेंट ने जो इंडिया के लिए जमीन दिया लोन दिया किस लिए क्योंकि वहाँ अंबानी का फैक्ट्री लग रहा था वो टेंडर ले रहे थे इसलिए 5 किलो राशन दे रहा है गरीब वही पर खुश है 5 किलो राशन मुबारक किसान का 2000 रुपया मुबारक हमें रोजगार चाहिए हमें गोरिया नहीं बनना है हम मेहनती हैं आज किसान बलत है आत्महत्या कर रहा है आज किसानों के लिए कील ठोका जा रहा है जिसने इंडिया को सींचा जिसके भरोसे इंडिया चलता है उसको मारा जा रहा है आत्महत्या किया जा रहा है ऐसी सरकार की क्या जरूरत है जैसे कहा गया है कि गुल के गुलशन बेच दिया है खार कमस्कन बेच दिया गुल के गुलशन बेच दिया खार कमस्कन बेच दिया अरे गुल का गुलशन बेच दिया खार कमस्कन बेच दिया और इंडिया को भी बेच दिया ये सरकार निकम्मी है सरकार बदलनी है इंडिया सरकार आज जो 10 साल में जो कार्य किया है ये अमीरों के पक्ष में काम किया है और गरीबों को पूर्ण रूप से शोषण करने का काम किया है गरीबों के लिए बताइए 5 किलो राशन दे रहा है सरकार कह रहा गरीब के लिए कुछ कर भी नहीं ये गरीबों का अपमान है ये राशन नहीं अपमान किया जा रहा है ये बताइए हाँ ये अपमानित किया जा रहा है और ये से यदि 5 किलो से 5 किलो जो अनाज है वो अपना वापस ले ले और हम सबों का गरीबों का रोजगार देने के काम करे हम लोगों को रोजगार चाहिए ना कि अनाज चाहिए अनाज जब रोजगार मिलेगी तो अनाज हम लोग खुद बांटेंगे मतलब आप लोग जो 19 तारीख को वोटिंग कीजिएगा उसका मुद्दा होगा रोजगार विकास ना कि 5 किलो राशन 2000 किसान सम्मान निधि नहीं वो भी नहीं चाहिए ये देखिए सारी जुमला है ये 2000 जो किसान को जो दिया जा रहा है जुमला है बताइए 2014 के पहले खाद का क्या रेट था डीएपी का और यूरिया क्या रेट था टैक्स बढ़ा करके जो राशन पर टैक्स नहीं था राशन पर टैक्स ठोक दिया गया जो दही दूध पर टैक्स ठोक दिया गया कफन तक जैसे टैक्स लिया जा रहा है आप बताइए कि शिक्षा जो है जो कॉपी किताब कलम जो पढ़ने का गरीबों का जो है उस पर टैक्स 18% ठोक दिया गया है आप बताइए कि किस किस तरीका से हम लोग का विकास होगा ना पढ़ाई
के मामले में हम लोग का कोई सुविधा मिल रही है? आप मुद्दे बता रहे हैं, जो मुद्दे थोड़ा सही से हो जाइए, कैमरा भी देखने दीजिए, हम सबके पास आएंगे। जो मुद्दे बता रहे हैं वो एक जागरूक मतदाता ही समझ सकता है कि जीएसटी शिक्षा पे लग रहा है, कफन पे लग रहा है। क्या आम जनता इस बात को समझती है कि जीएसटी भी हमको देना पड़ रहा है? हाँ, समझ रही है, समझने लगी है। 2014 14 19